बाथरूम मेरे पे ही। और रोज़ की तरह आके फिर से गर्मी हो चुकी है और पानी जैसे आपको ज़रूरी है ऐसे ही फसल को ज़रूरी है, तो अभी इनको पानी लगा रहा हूँ। तो देखते हैं अब कितनी देर में पानी कवर होता है, फिर चलते हैं घर को और मिलते हैं वानिक से, क्योंकि वानिक भी दो तीन दिन के लिए आया हुआ अभी।
लो भी साडा पुचू आ चुका है। पुचू क्या हाल है? बोलो ठीक है। स्कूल ते आया किन्ने बज गए हुण? किन्ने बज गए? टाइम क्या हो गया? किन्ने हो गए? 10:09। पुठाई टाइम दसी जाना नू। 12:30 इक बार चला। इक बार चले कितना? 9:25 हो गए। 9:25 हो गए। अच्छा मैडम के क्या क्या किया आज फिर स्कूल च? क्या गुड मॉर्निंग की मैडम? और ये पौधे कद्दू के बाहर आ चुके हैं, इसको हम कहते हैं कद्दू की बेलें। और देखो कितनी अच्छी और कितनी ये सुंदर लग रही हैं। कितनी खुशी होती है जब अपने हाथ से लगाते हो और ये इनको पैदा करते हो। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ खेत से और आते मैंने मुँह हाथ धो लिया, तो मिलते हैं वानिक से। वानिक ने अभी शोर डाला हुआ है और वानिक के लिए हमने एक बनाया देसी झूला, जो कि मतलब गांव में पहले बनाते थे और अभी बनाया हुआ दिखाता हूँ अब। तो ये रहा वानिक का, हमने झूला बना दिया पीढ़ी के साथ ही और पूरा डेकोरेट कर दिया है। आधा घंटे से ऊपर नहीं रहता है, इन्हें वार होती है ना मंजे की, उससे डाला है। क्योंकि ये सारे अपने झूले अपने दादी घर को ले चुका मतलब लेके चला गया, तो एक नया लेके आएंगे। जब तक हमने इसको ही डाल दिया, पक्का है पूरा देसी जुगाड़ से। और इसके ऊपर लगे हुए हैं ये हमारी शेर वाली माता, तो इधर ये नैना वाली माता है, इसके शैल ख़त्म हो गए। हाँ, और हमने ये झूले वाले इसके शैल ख़त्म हो गए, जोगा मैट चली ला, जोगा मैट भी अच्छा है ये बहुत। तो अभी हमारा शराबी देख सकते हो, शराबी जी उठ जाओ, ये अभी चार्ज हो रहा है, जैसे बैटरी चार्ज नहीं होती, मतलब दिन दिन में पूरा सोना है इसने। शराबी ये शराबी शराबी। तो अभी ले चलते हैं किचन में और आज आपको ब्रोकली मम्मी जो भी वजह से भी बनाते हैं वो बना के दिखाएंगे। तो अभी लग रहा है मम्मी तुड़का लगा रहे हो ना अब। मम्मी अंग्रेजी बस दो शब्द होंगे यस या बना रही हूँ या हाँ जी, यही बोलना मम्मी ने, और कुछ नहीं बोलना। और क्या बोलना? अभी हमने मम्मी ने ब्रोकली धो के रख ली है। मम्मी दूजी लाइट वाली बिगाड़ो। ये लो जीरा, जीरा डल गया, ये डाल दिया, जीरा डाल दिया मम्मी ने, उसके बाद लहसुन डाल दिया, और गरम था तेल, उसके बाद प्याज, प्याज हमारे मतलब गांव में खुले है, सौ रुपये 3 किलो है, तो खुले पा लो क्योंकि घर की घर में खेत में लगाए मम्मी, अब बार खेत में लगाने। और इधर मम्मी ने अभी तक मेरी हमारी छोटी छोटी गली हुई है धो के रखी हुई है ब्रोकली। फोकस नहीं हो रहा इस पर, क्या बात है? हाँ बहुत है ब्रोकली, अच्छी सारी काट के रख ली है, घर की खेती है। तो साथ में है टमाटर, अदरक और ये मसालेदानी है पतंजलि की हींग। अब क्या डलेगा इसमें? प्याज भूजना, टमाटर मिलेगा। तो अभी इधर तुड़का अच्छी तरह, हल्दी क्या डाले आप? तुड़का भुज गया भी, हल्दी पाती हूँ मैंने, इसके बाद थोड़ी सी डलेगी लाल मिर्च। टमाटर अभी बोल रहे हैं मम्मी इसको भून के, मम्मी जी अंग्रेजी हाथ है टमाटर यार, है ना। अभी इसमें मिर्च डली है, हल्दी डली है, अब अच्छी तरह हमारा तुड़का जो हो चुका है, वो भी डलने जा रहा है टमाटर। अब नमक डलेगा इसमें थोड़ा सा, ताकि टमाटर जो जल्दी भुज जाए, मतलब इसमें मिक्स हो जाए, टमाटर गल जाए इसमें, तो उसके मिक्स किया। तो अब इसमें डालेंगे आलू, तो अभी इसमें डलेगी ब्रोकली,
ये हो गई हमारी गोभी रेडी। भाई हमारा गांव का जैसे गोभी बनाते हैं वैसा मतलब अलग तरीका है, सभी का अलग अलग होगा। पिछली बार हमने फ्राई करके बनाई थी ना, और फ्राई करके इसके जो भी प्रोटीन वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं, अच्छा नहीं रहती। तो अभी हमने इस पर बनाई है ताकि ये थोड़ा सा खाने में भी और बढ़िया रहे। अब तुर्की की आवाज़ देख सकते हो, देखती चाहिए मतलब इसके ऊपर हम खाली दे देंगे और इसको कवर करके मतलब कितने मिनट होंगी भी, कितने मिनट करना रखना है, 15 मिनट में हो जाएगी भी, तो मैंने ज़्यादा बता दिए मतलब 15-20 मिनट में हो जाएगी आराम से। ये मीडियम गैस पे रखनी है ऐसे 15-20 मिनट, देख ले मतलब बार बार देख सकते हो आप कि होगी या नहीं होगी।